अस्सलामुअलैकुम। आज एक स्टोरी सुनते हैं। एक दफा जंगल में गधा और एक चीता आपस में बहस कर रहे थे। बहस इस बात पे हो रही थी, गधा कह रहा था ग्रास इज ब्लू, जबकि चीता कह रहा था डफर नॉनसेंस, ग्रास इज ग्रीन, घास जो है वो ग्रीन कलर की होती है। ये इतनी ज्यादा हो गई बहस कि उन्हें जो है जंगल के राजा के पास जाना पड़ा। तो जब वो लॉयन के पास गए तो उन्होंने, गधे ने कहा कि जो हाइनेस ये कह रहा है कि ग्रास ग्रीन है, जबकि आप इसको बताएं ग्रास जो है वो ब्लू कलर की होती है और आप इसको पनिश भी करें इस बात पे। तो लॉयन ने कहा कि इफ यू बिलीव कि ग्रास इज ब्लू सो ग्रास इज ब्लू, तो बड़ा खुश हुआ उसने कहा आप इसको सजा दें, उसको बताएं कि ग्रास जो है वो ब्लू कलर की है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो चीता है उसको सजा दी जाती है कि वो 3 दिन तक खामोश रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा जंगल। तो बड़ा खुश होता हुआ उछलता हुआ कूदता हुआ बाहर निकल गया। तो चीते ने बाद में कहा, पूछा कि सर आपने मुझे क्यों सजा दी जबकि मैं तो बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा तुम, इससे साबित होता है कि तुम अकलमंद हो, तुम चीज़ों को समझ सकते हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम एक बेवकूफ़ से बहस कर रहे थे और बेवकूफ़ को सही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे जबकि वो नहीं समझना चाहते थे, और फिर तुमने मुझे भी तंग किया इस बात पे कि मैं एक बेवकूफ़ यानी बेवकूफ़ के सामने तुम्हें जो वो प्रूव करूँ कि तुम सही हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि कभी कभी बेवकूफ़ों की बातों को मान लेना चाहिए, आप बड़े खुश रहेंगे। बहस करना छोड़ दें। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई मछलियाँ उड़ती हैं, आप खुश हो जाएंगे, हाँ भाई मछलियाँ तो उड़ती हैं। कोई कहे बदमाश को मैंने स्विमिंग करते हुए देखा था व्हेल के साथ, आप कहें हाँ मैंने भी देखा था। कोई कहे पेट्रोल जो है वो 30 रुपये मिल रहा, आप कहें हाँ हाँ क्या बात करती, मुझे भी मिला था कल 25 रुपये। कभी तो ऐसे लोगों के साथ बहस ना किया करें, ये आपका टेम्परमेंट हाई करते हैं, आपका बीपी हाई करते हैं और आपको टेंशन देते हैं और कुछ नहीं, आपको गुस्सा आता है। कभी भी खुश होने दें उनको। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ के बारे में क्या है, इससे उस चीज़ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ये बात कहे कि आम जो है वो मिर्चों वाला टेस्ट देता है, तो वो जितना भी कह लें आम कभी भी मिर्चों वाला टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसका जो नेचर है वो ही रहेगा। पॉइंट ऑफ व्यू किसी का कोई भी हो, अब अगर आप उसको वो समझाने बैठ जाएंगे तो आप बेवकूफ़ हो उससे बड़े। तो कभी कभी छोड़ देना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको वो चीज़ प्रूव करनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके पैशन के बारे में, क्योंकि लोग नहीं समझते आपके पैशन को, खासतौर पर नहीं समझ पाते, वो कहते हैं क्या बेकार की चीज़ करो, जो सब कर रहे हैं वो करो, तुम क्या हटके कर दो, बोलने दें। स्ट्रगल का जब टाइम होता है उसमें बोलने दें और फिर उनको प्रूफ करके दिखाएं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बोल के बहस करके चेंज नहीं करें, करके दिखाएं कि उनका जो नजरिया है वो बिल्कुल तब्दील हो जाए। छोटी सी बात आखिर में कहूँगा, कभी कुछ लोग मुझे कहा करते थे कि ये टीचर बन के क्या करोगे, बेकार है टीचिंग, और आज कहते हैं ये टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, काम थोड़ा सा हमें भी समझा दो। तो इंशाल्लाह सी यू एज सून एज पॉसिबल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।